नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं वो सिविल इंजीनियर को यह जानकारी होना चाहिए, आम आदमी के लिए भी जरूरी जानकारी है। तो टॉपिक है आपका जो है स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना, तब खुद अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसका जो आपका जो स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, तो उसको बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ही पता है कि हर एक रूम का साइज सेम नहीं होता है, हर रूम जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। तो हम जो है एक एक करके जो है सारा रूम के बारे में जो है जो रेसिडेंस बिल्डिंग में जो देते हैं उसका हम जो है साइज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है ड्राइंग या लिविंग रूम। ड्राइंग या लिविंग रूम जो आप जो है दे सकते हैं, आप जो है 14 फिट × 16 फिट से लेकर के आप जो है 18 फिट × 24 फिट तक का दे सकते हैं। आप जो है दो साइज का, इसमें स्टैंडर्ड साइज जो इसका जो दो है, आपका 14 फिट से 16 फिट से और 18 फिट × 24 फिट तक दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आपका है बेडरूम। बेडरूम का आपका साइज जो है, आपका जो है ये बेडरूम का, नॉर्मली बेडरूम का साइज आपका जो है 10 फिट × 12 फिट, 10 से 12 फीट का दे सकते हैं, यानी तो यहाँ से 14 फिट × 16 फिट का दे सकते हैं। ये आपका जो है रूम बेडरूम का साइज हो गया। अब रही बात गेस्ट रूम का, तो गेस्ट रूम जो है, गेस्ट रूम में नॉर्मली क्या होता है आपका जो है ना, कभी कभी जो लोग आते हैं, तो ये इसका साइज आप जो है 10 फिट × 12 फिट का दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, गेस्ट रूम के बाद आ गया आपका बरामदा। तो बरामदा जो है हर एक रेसिडेंस बिल्डिंग में जो है बरामदा देते ही हैं, तो बरामदा का आपका साइज जो है 6 फिट × 10 फिट का, ये आपका जो है स्टैंडर्ड साइज है, इसके लमसम आप दे सकते हैं। अब डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम भी आप जो है ये आपका जो है दे सकते हैं 12 फिट × 14 फिट से लेकर के आप जो दे सकते हैं 14 फिट × 16 फिट तक का, ये आपका हो गया डाइनिंग रूम। अब बात करते हैं किचन। तो किचन जो आपका जो है, किचन आप जी भी जो है 8 फिट × 13 फिट से लेकर के आप इसको दे सकते हैं 10 फिट × 12 फिट। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप जो है किचन का साइज दे सकते हैं। किचन क्या हो गया आपका 8 फिट × 13 फिट से लेकर के 10 फिट × 12 फिट तक का दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोर रूम का। स्टोर रूम क्या होगा, जिसमें आप जो है कुछ अनयूजुअल सामान जो है रखते हैं जो डेली यूज नहीं होता, तो उसका जो आप जो है साइज जो है दे सकते हैं 8 फिट × 8 फिट से लेकर 10 फिट × 10 फिट तक का, ये हो गया आपका स्टोर रूम का। अब पेंट्री, इसमें क्या होता है कि आप जो बना बना खाना जो उसमें जो रखते हैं, मतलब जो बाद में जो खाना बन गया उसको बाद में खाना है, तो उसका जो है आपका साइज जो है रहेगा आपका 8 फिट × 10 फिट का। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं बाथरूम का। बाथरूम यानी तो वाटर क्लोज, जहाँ पे जो है आपका कमर उमर लगता है। अब इसमें है कंबाइन और सेपरेट, जहाँ पे इसमें जो जहाँ दोनों कंबाइन होगा, कंबाइंड वाला में क्या होगा आपका जो है, कंबाइंड वाला जो है जिसमें बाथरूम भी रहेगा वाटर क्लोजेस्ट भी रहेगा, दोनों कंबाइंड रहेगा, ओबेसी कंबाइंड रहेगा, तो आपका जो साइज जो है बड़ा रहेगा। तो इसका जो है, इसका जो आप दे सकते हैं आप जो है 4 फिट × 6 फिट से लेकर के आप इसको दे सकते हैं 6 फिट × 8 फिट तक। ठीक दोस्तों, अब ये हो गया आपका कंबाइन। अगर हम सेपरेट की बात करते हैं, अगर दोनों को हमको जो है अलग अलग करके देना है, तो सेपरेट में अगर सेपरेट में जाते हैं, तो सेपरेट में बाथरूम क्या हो जाएगा, तो सेपरेट में बाथरूम अलग अलग हो गया तो जगह भी कम होना चाहिए, तो इसका बाथरूम होगा 4 फिट इंटू
छः फीट और वाटर क्लोजेट का हो जाएगा आपका जो है 4 फीट × 4 फीट। ठीक दोस्तों, अब गैरेज तो रखेंगे, गैरेज तो होना ही चाहिए, आपको गाड़ी उड़ी रखेंगे उसमें, तो गैरेज जो है आपका जो रहेगा, गैरेज का साइज हो जाएगा आपका दोस्तों 10 फीट × 16 फीट से लेकर के आपका जो है इसका साइज जो है 16 फीट से 20 फीट तक का। ये आपका दो साइज में आपका जो गैरेज रहेगा। अब जो बात करते हैं ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम क्या होगा, जहाँ पे आप जो है मतलब लेडीज लोग जो सजती सवरती है तो उसको हम ड्रेसिंग रूम, जेंट्स भी जाते हैं वहाँ ड्रेसिंग रूम बोलते हैं, तो ड्रेसिंग रूम भी जो घर में होना चाहिए तो उसका जो आपका साइज बता दे रहा हूँ, ये आपका होगा 6 फीट × 6 फीट से लेकर के आपका इसका होगा 6 फीट × 9 फीट तक का। ये आपका दो साइज का आपका जो है ड्रेसिंग रूम का जो है रहेगा। तो ये हो गया आपका जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेसिडेंस, मतलब रूम का जो है रेसिडेंस बिल्डिंग का रूम का जो है स्टैंडर्ड साइज ये हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज आपने जाना स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स इन रेसिडेंस बिल्डिंग, ये जानकारी आपको समझ में आ गया तो ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, ये जानकारी जो आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक और चीज़, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है ना कि जब जब हमको नया वीडियो अपलोड करेंगे हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।